नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे ग्रीन मोटर्स द्वारा बनाई गई एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में। आपने देखी होगी मेरी वीडियो ऑलरेडी, मैं इसके टू सीटर टॉप वेरिएंट के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं। फिलहाल ये है फोर सीटर वेरिएंट टॉप मॉडल, और इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है एक एक छोटी से छोटी चीज़ को कवर करते हैं। बस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। क्या क्या प्राइस रहेगा दोस्तों बता दूं, ये इसका बेस वेरिएंट 1,45,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट फोर सीटर ये वाला फिलहाल मैं जिसकी बात करूं 2,75,000 रुपये के आसपास तक पहुंच जाता है। फिलहाल मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूं, क्योंकि इसके अंदर आपको ना तो इंश्योरेंस कराना है, ना ही आपको इसका RTO देना है, ना ही इसका कोई नंबर प्लेट बनती है, और ना ही आपको इसको चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, है ना कमाल की बात। फिलहाल इलेक्ट्रिक वेरियंट है, करीबन 90-100 किलोमीटर पर एक बार चार्ज करने में जो है ये गाड़ी चल जाती है। आप इसको कहीं भी लेके जाएंगे, इतनी आई कैचिंग है यार, मैं सही बताऊं इतनी आई कैचिंग है, ऐसा लगता है विंटेज कार है बिल्कुल। इलेक्ट्रिक विंटेज कार के रूप में ग्रीन मास्टर्स ने इसको तैयार करा है, ग्रीन मोटर्स कह दो या ग्रीन मास्टर्स कह दो, फिलहाल वैसे कंपनी का नाम ग्रीन मास्टर है। फिलहाल देख सकते हैं अलॉय व्हील्स वगैरह सब कुछ है, छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की चाबी के साथ में, तो ये जो है फिलहाल इसको चाबी दी गई है ग्रीन मोटर्स ने, ग्रीन मास्टर्स ने इसको इस तरह की चाबी जो है बनाकर दी है। और आगे क्या मिलता है तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये पूरा एल्युमिनियम का बना हुआ है, और इसके अंदर की तरफ आपको इसके बैटरी पैक मिल जाते हैं। जी हाँ, इसके अंदर आपको बैटरी पैक है, और ये आपको कुछ पुरानी गाड़ी का लुक जो है वो देता है। अभी बात करें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट्स हैं इसकी दोनों तरफ, LED हैं दोनों की दोनों उसे अलग। अगर आप ये हैंडल्स देख रहे हैं तो आपको याद होगा जो पुरानी गाड़ियां थी उनके अंदर ऐसे हैंडल्स आते थे, जिससे कि आप इसको ओपन करें और इसके अंदर से बेसिकली आपका जो इंजन है उसको आप एक्सेस कर सकते थे रिपेयर वगैरह के टाइम में, उस वक्त उसकी जोत पड़ती थी। तो ये उस वजह से जो है ये हैंडल्स फिलहाल दिए गए हैं, लेकिन ये ओपन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी है। बस आप इसको ओपन करेंगे, इसके थ्रू आप बैटरी को एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल एक एक करके बात करें तो अब आ जाते हैं इसके टायर्स पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसको टायर्स अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, बड़ा टायर है, और ये ट्यूबलेस टायर जो है इसका जो है इसको दिया गया है। अगर हम बेस वेरिएंट की बात करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको नॉर्मल स्पोक व्हील्स मिलते हैं, स्प्लेंडर के टायर आपको मिलते हैं, और ट्यूब वाले टायर मिलते हैं। तो फिलहाल बहुत सारी कॉस्ट कटिंग उसके अंदर की गई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है, हर एक चीज़ को बहुत ही बढ़िया फिट एंड फिनिश के साथ में इस गाड़ी के अंदर लगाया है। तो ये ट्यूबलेस टायर्स विद अलॉय व्हील्स, फिलहाल वही पुराना लुक देने के लिए, मतलब विंटेज कार का लुक देने के लिए वही आपका जो एक पट्टी है वो लास्ट तक जाती है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। उससे अलग हम पीछे की बात कर लें, लेकिन उससे पहले कंपनी का लोगो ग्रीन मास्टर्स, जिसको मैं ग्रीन मोटर्स कहता हूँ, ग्रीन मास्टर्स का लोगो यहाँ पर टायर्स, और फिलहाल इससे पहले जो आपने वेरिएंट देखा था उसके अंदर पीछे स्टपनी लगी हुई थी, पर यहाँ पर स्टपनी नहीं है क्योंकि ये फोर सीटर वेरिएंट है। पहले वाला जो आपको दिखाया था वो टू सीटर वेरिएंट था, ये फोर सीटर है। अब इसके अंदर भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। जी हाँ, स्टोरेज कैसे खुलती है, बस यहाँ से आप ओपन करेंगे और ये आपकी स्टोरेज जो है ओपन हो जाती है, ऐसे ही बंद करेंगे आपकी स्टोरेज जो है वो ख़त्म होगी। फिलहाल ये जो डंडा दिया गया है इसका कोई काम नहीं है, बस ये ऐसे ही शोबाजी में लगा हुआ है। इसका चाहे तो आप इसके ऊपर एक लाइट्स आती है वो लाइट लगवा सकते हैं, या फिर झंडा वंडा लगाइए भारत माता का, और क्या चाहिए। फिलहाल पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर दे देते हैं, और आप कहेंगे यार नंबर प्लेट, अभी तो मैंने कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन होता नहीं, RTO नहीं होता, तो भाई यहाँ पर लगा दिया गया है। आने वाले वक्त में अगर कंपनी या फिर गवर्नमेंट ही कहती नहीं इसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में आप इसको यूज़ करो, तो यहाँ पे ग्रीन नंबर की प्लेट आ जाएगी, नहीं होगा तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखवाइए, कोई डिज़ाइन बनवाइए, जो आपका मन करे करिए। फिलहाल यहाँ पर पैर रखकर आप आराम से पिछली सीट पर बैठ सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जो है बुडमो। बुडमो एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ एक वेबसाइट भी है, जहां पर जाकर आप किसी भी गाड़ी का कोई भी स्पेयर पार्ट वहां से मंगवा सकते हैं, आपके घर पे होम डिलीवरी उसकी हो जाएगी। खास बात यह है, अगर वह स्पेयर पार्ट आपकी गाड़ी में फिट नहीं होता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं 10 दिनों के अंदर अंदर। कैंसिलेशन पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ के साथ इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खास बात यह है कि आपको क्या करना है, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर आपको सिर्फ अपनी गाड़ी का जो मेक है वो सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है, और बस आप परचेजिंग जो है शुरू कर सकते हैं। तो देर किस बात की, किसी भी स्पेयर पार्ट को ऑर्डर करने के लिए आप मोबाइल पर जाकर अपना ऑर्डर करें, और साथ के साथ डाउनलोड कहाँ से करें, डाउनलोड करें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से। वहीं आगे की बात करें
आगे मतलब आगे बात करें, आगे की क्या बात करें, फिलहाल यहाँ पर आपको बुलेट्स के लाइट्स मिल जाती हैं, ये ब्रेक लाइट्स हैं, जब भी आप ब्रेक दबाएंगे तो ये जलती हैं। रिफ्लेक्टर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसका मोटर जो है वो दिया गया है जो इसको आगे की तरफ या पीछे रन करवाता है। उससे अलग आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शॉक एब्जर्वर यानी कि शॉकर्स भी इसके मिल जाते हैं। चेसिस इस गाड़ी का काफ़ी मजबूत दिया है, बेस वेरिएंट के कंपेयर इसका चेसिस जो है वो ज़्यादा अच्छा और मजबूत नज़र भी आता है और दिख भी रहा है। फिलहाल ये है इसका चारों तरफ से लुक, बहुत ही जेन्युइन लुक है भाई। मैं बात करूं अगर आप इसको आने वाले वक्त में देखोगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं इस गाड़ी को यूज़ करने वाली हैं, हर एक बंदा, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ देखो, मैंने आपको दिखाया बुलेट का यूज़, बुलेट की लाइट्स है, ब्रेक लाइट्स है वो दी गई हैं। यहाँ पे भी आप आगे की तरफ आओगे तो देखोगे यहाँ पर भी जो बुलेट के अंदर इंडिकेटर्स होते हैं, छोटे से लाइट्स होती हैं जो ऊपर की तरफ हेडलाइट में होती, वो यहाँ पर हैं, दोनों तरफ लगाई गई हैं। अब बात कर लेते हैं अंदर से। अंदर जाने से पहले यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, वो दोनों तरफ आपको मिलते हैं। और यहाँ बात कर लेते हैं आप अंदर के डिज़ाइन की, तो अंदर के डिज़ाइन में पहले तो भैया गाड़ी में बैठ जाते हैं, गर्म हो गई गाड़ी। यहाँ पर मिलते हैं आपको बुलेट के ही मिरर्स जो आपको आगे पीछे आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। और यहाँ पर बड़ा प्यारा सा स्टीयरिंग जो है आपको मिल जाता है, आप अपने हिसाब से जो इसको चलाइए, बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं प्रीमियम क्लास जो स्टीयरिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर बात करें तो इसका एक स्पीडोमीटर यहाँ पर है, कितनी स्पीड है, आप इसको मैक्सिमम 50 के आसपास तक चला सकते हैं, 50 से ऊपर ये गाड़ी नहीं जाती है, ये काम नहीं करता, बेसिकली अनफंक्शनल है। और ये आपकी बैटरी की जो हेल्थ है उसको बताते हैं कि कितनी हेल्थ जो है बैटरी की है, जैसे कि जब आप 20 हो जाए तो आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। और कंपनी वारंटी क्या देती है, वारंटी देती है तकरीबन ये गाड़ी 5 साल चल जाएगी, करीबन 2000 बार आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये हो चुका ओवरऑल इंटीरियर सारा कुछ। अब एक बार इस गाड़ी की ट्राई करते हैं और देखते हैं भैया कि चलाने में गाड़ी जो है कैसी है। क्या करना है, हमें लगानी है यहाँ पर चाबी, ब्रेक अपना प्रेस करना है क्योंकि हमें गाड़ी ऑन कर दी है। आप देख सकते हैं मीटर जो है वो इसका ऑन हो चुका है और यहाँ पर ये अभी जो है फास्ट मोड पे है। अब इसमें है कि यहाँ पर पीछे की तरफ करेंगे तो ये बैक गियर आपका चल जाएगा, आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जो है वो चलती है गाड़ी। और अगर हम इसको यहाँ करेंगे, अब बीच में नॉर्मल न्यूट्रल नहीं होती है, तो यहाँ पर ये सिर्फ एक जेन्युइन पिकअप जो है वो देती है, यहाँ पर आपको हाई मोड नहीं मिलता है। मतलब इसके अंदर भी एक टर्बो वाला मोड आता है जो बहुत तेज़ी से जिससे थ्रू आप गाड़ी चला सकते हैं। अभी क्या करेंगे, अगर आपको पावर चाहिए और आपको अच्छे से तेज़ी से गाड़ी चलानी है तो भैया इसको करिए यहाँ और इसके बाद में दबाइए पैडल। ये चल पड़ी है बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब इसमें पावर जनरेट होती है इंस्टेंट और बहुत अच्छे से जो है गाड़ी रन करती है। आप देख सकते हैं गाड़ी को चलाते वक्त ये मेरे हेड पोजिशन है और आप देखिए यहाँ से आपको किस तरह का फील होता है। थोड़ी सी आप कहेंगे कि भाई आप मतलब इसको इतनी तेज़ नहीं चला सकते जैसे नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको एक बढ़िया सी ड्राइविंग गाड़ी चाहिए और विंटेज कार का लुक चाहिए। तो इलेक्ट्रिक के मामले में 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर के आसपास चलेगी, 4 लोग बिठाकर आप कहीं पर भी इसमें घूम सकते हैं, तो भाई मज़ेदार चीज़ है। ड्राइविंग की बात करूँ तो मुझे इस वक्त बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यह है ओवरऑल गाड़ी का लुक। आई बिलीव कि भैया चलाने में भी आपको समझ में आ रही होगी, जैसे मैं गाड़ी को चलाया है। और मैं वैसे ही बताऊँ, एक कीमत होती है गाड़ी की, हर एक चीज़ पैसे से तोली नहीं जाती। उस हिसाब से देखा जाए तो भैया सबसे पहले तो यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, हैंड ब्रेक भी लगाना होता है जब भी आप गाड़ी से उतरें, क्योंकि ये पीछे की तरफ भाग जाती है। पीछे इसलिए भाग जाती है क्योंकि बैटरी आपको ऑन ऑफ़ करनी पड़ती है। फिलहाल मैंने बैटरी जो है वो ऑफ़ कर दी है, निकाल ली है चाबी। और ये है गाड़ी 4 सीटर ग्रीन मास्टर की तरफ से प्रोवाइड होने वाली है। फिलहाल 2,75,000 रुपये ऑन रोड कीमत इस गाड़ी की है। और मैं बताऊं तो इसमें आपको कोई आरटीओ की ज़रूरत नहीं है, आपको ना ही इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है। गाड़ी लीजिए, चलाइए और एंजॉय करिए, एक बहुत ही सुपर गाड़ी आप कह सकते हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मज़ेदार गाड़ी है और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप इस गाड़ी के अंदर कोई भी क्वेरी चाहते हैं तो प्लीज़ फटाक से कॉल करिएगा और आपको मिल जाएगी इस गाड़ी के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने सभी फैंस के साथ। धन्यवाद।